गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ पंकज कानपुरी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास फोर्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर सेकंड, नेहाज अलार्म क्लॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नरेटर, नरेटर मीन्स समवन हु टेल्स द स्टोरी, जो कहानी सुनाता है या बताता है उसे नरेटर कहते हैं। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग, मीन्स नरेटर बोल रहे हैं कि एक अलार्म क्लॉक है जो डेली मॉर्निंग में 6 o'clock को बजती है ना, रिंग रिंग रिंग, इस तरह से उसका साउंड निकलता है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ। तो ये जो अलार्म क्लॉक है ये किसके कमरे में रखी हुई थी, एक गर्ल थी, एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। तो जैसे ही अलार्म क्लॉक रोज़ मॉर्निंग 6 बजे बजता है तो नेहा क्या करती है, नेहा एक पिक्यूलर सा फेस बनाती है, अजीब सा मुंह बनाती है ना, उसे अलार्म क्लॉक से डिस्टर्ब होता है तो वो अपने कानों को पिल्लो से कवर कर लेती है, ठीक है, और ब्लैंकेट मतलब कंबल को अपने ऊपर डाल के अंदर ही अंदर स्नगल करती है। स्नगल मतलब होता है टू मेक जो कंफर्टेबल पोजीशन में आना है ना, पिलो से अपने कानों को ढक लेती है, ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती है, कंफर्टेबल पोजीशन में आती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। बट शी नोस शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ, और फिर वो आपस में ही बात करती है, मटर मतलब स्पीक विथ आर सेल्फ इन अ वेरी लो वॉइस है ना, खुद से ही बात करना मन ही मन में, और उसे पता है कि मुझे उठना तो है ही। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, ये अलार्म क्लॉक रोज़ सुबह 6 बजे बज जाती है और मुझे उठना पड़ता है, इट्स सो अनफेयर, ये बहुत गलत है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, है ना, कितना अच्छा होता कि मैं मॉर्निंग में देर तक सो पाती। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, काश ऐसा होता है कि घड़ी अलार्म करना या बजना बंद हो जाए, अपना काम भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, फिर नरेटर कहते हैं कि कुछ गिरने की आवाज़ आती है, वो जब नेहा देखती है, पलट के देखती है तो नेहा हंसने लगती है। क्यों हंसने लगती है, नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, ओह मेरी घड़ी गिर गई, हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितनी खुश हूँ, टुमारो आई कैन गेट अप लेट, अब मैं कल देर से उठ सकती हूँ क्योंकि मेरी अलार्म क्लॉक टूट चुकी है। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, है ना, तो अगले दिन जब अलार्म क्लॉक टूट जाती है तो अलार्म क्लॉक रहती नहीं है बजने के लिए, तो नेहा क्या करती है, बहुत देर तक सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सील एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, तो जो छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो डेली नेहा को देखते थे कि रोज़ तो नेहा को अलार्म क्लॉक उठा देती थी, आज वो देख रहे हैं कि नेहा जो है अभी तक सो रही है, ठीक है ना। बर्ड्स वेक अप डियर वेक अप फास्ट, तो बर्ड्स उसे चर्पिंग साउंड एक साउंड करते हैं, है ना, जो बर्ड्स साउंड निकालती है ना मॉर्निंग में, तो वो उस साउंड से वो नेहा को उठाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं वेक अप डियर वेक अप फास्ट, उठो बेटा जल्दी उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा झल्ली से उठ जाती है, नरेटर बोलते हैं नेहा को कि नेहा झल्ली से उठ जाओ। नेहा, ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ओ अब अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स मुझे उठाने के लिए आ गए, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स टू, और नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो बर्ड्स, तो अगले दिन जब मॉर्निंग होती है तो ना ही अलार्म क्लॉक उसे उठाने के लिए रहता है, ना ही बर्ड्स उसे उठाने के लिए आते हैं। बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन कोई और भी रहता है जो नेहा को जल्दी उठाना चाहता है और ये सोचता है कि नेहा की स्कूल बस मिस ना हो जाए। कैन यू गेस हु इट इज़, तो आप क्या बता सकते हैं कि वो कौन है। द बिग ब्राइट सन, तो वो है चमकीला सूरज जो मॉर्निंग में डेली निकलता है। ही फील्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, तो क्या करता है, सन अपने सनलाइट से नेहा के कमरे में उजाला कर देता है जिसके कारण नेहा को उठना पड़ता है। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी, ओ अब ये सूरज दादा मुझे उठाने के लिए आ गए, ये मुझे सोने क्यों नहीं देते। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नरेटर कहते हैं कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, क्योंकि सन के सामने कौन आ जाते हैं, क्लाउड्स, तो सन क्लाउड्स के पीछे चला जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल द हियर्स हर मदर वॉइस, तो नेहा बहुत देर तक
घोर के सोती है, खर्राटे लेके सोती रहती है, जब तक सोती है जब तक नेहा की मदर उसे उठाने के लिए नहीं आ जाती है। मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। तो नेहा की मदर क्या बोलती है, उठो बेटा देर तक सोने वाली गुड़िया उठो, है ना, देर हो जाएगी तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, ओ अब मुझे मम्मी उठाने के लिए आ गए, है ना। नैरेटर देर इज़ नो एस्केप नाउ, अब नैरेटर बोलते हैं नेहा को कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, नेहा उठती है और तैयार हो जाओ, नेहा उठो और तैयार हो जाओ। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, तो आप बता सकते हैं कि अगले दिन क्या होता है। नेहा वेक्स अप विद ए स्टार्ट, नेहा उठ जाती है, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, नेहा की घड़ी बोलती है कि अब 6 बज चुके हैं उठ जाओ। शी कॉल्स आउट हर मदर, फिर वो अपनी मम्मी को बुलाती है। नेहा माँ हु वोक मी अप, नेहा अपनी मम्मी से पूछती है माँ मुझे किसने उठाया। नरेटर बोलते हैं कि नेहा का ये क्वेश्चन सुन के उनकी नेहा की मदर स्माइल करती है। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, कौन उठाएगा तुम्हें बेटा, तुम खुद ही अपने आप उठी हो। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, बट मैं तो सो रही थी मैं कैसे उठ सकती हूँ अपने आप। मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून, अब मुझे ये बताओ नेहा कि स्कूल में तुम जो लंच है वो उस टाइम पे ही क्यों करती हो जिस टाइम पर आपको लंच करने का टाइम होता है। नेहा आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे उस समय ही भूख लगती है इसलिए मैं उस समय ही खाना खाती हूँ। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रात को रोज़ 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे रात को 9 बजे तक नींद आने लग जाती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर देर इज़ अ क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू वेन टू ईट वेन टू स्लीप एंड वेन टू वेक अप, तो नेहा की मदर नेहा को बोलती है कि बेटा हमारे अंदर भी एक घड़ी है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है कब सोना है और कब उठना है कब जागना है। नेहा ओह ओ आई बेटर रश नाउ आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, फिर नेहा बोलती है ओह हो अब मुझे जल्दी करना चाहिए क्योंकि मेरी बस मिस हो जाएगी। नेहा की मदर बोलती है रिलैक्स टुडे इज संडे, रिलैक्स हो जाओ बेटा आज संडे है। नेहा ओह ओ ओ ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। अब यहाँ आपको न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं, स्नगल मटर्स विंडो सील एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए, स्नगल मतलब क्या होता है, स्नगल मतलब यहाँ देखिए टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, स्नगल मीन्स टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी सब एग्जांपल दिए हैं कि स्नगल का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। फिर सेकंड है मटर्स, मटर्स का मीनिंग होता है से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, है ना, धीरे से जब हम अपने आप से बातें करते हैं उसे मटर कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं मटर्स, तो आपको इतना ही लिखना है से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस। विंडो सील द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, ठीक है ना, तो जो खिड़की जो होती है ना उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा प्लैंक निकला हुआ आता है ना, दीवार से रख के एक प्लैंक निकला हुआ आता है जहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं विंडो में, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं विंडो सील, ठीक है। फिर है रिलैक्स, रिलैक्स मतलब फ्री फ्रॉम टेंशन, किसी भी टेंशन से जब आप फ्री होते हैं जब आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है उसे कहा जाता है रिलैक्स, तो आपको ये आपकी फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है ओके। अब ये देखिए ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन, टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट टाइम डिड नेहा'स क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, तो नेहा की जो क्लॉक थी अलार्म क्लॉक थी वो मॉर्निंग में रोज़ कितनी बजे बजती थी, तो इसका आंसर है सी, है ना 6 o'clock। व्हाट डिड द बर्ड से, बर्ड क्या बोल रहे थे नेहा को, बी, तो इसका आंसर है बी वेकअप। व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, तो वो नेहा की मदर नेहा को क्या बोलती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें अपने आप रोज़ उठा देती है, तो इसका आंसर है ए आवर बॉडी क्लॉक। तो ये आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटा, इसके आंसर्स ये रहे, ठीक है ना, ये इसके आंसर्स है यहाँ पर देखिए, है ना, तो यहाँ पर दिया है पहले का आंसर है आंसर सी दैट इज 6 o'clock, सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड द बर्ड से, तो इसका आंसर है आंसर सी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा वेकअप आएगा, है ना, इसमें सी, इसको बी कर लीजिएगा। फिर क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, तो इसका आंसर है ए आवर बॉडी क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर वन हैज़ बिन डन फॉर यू, तो यहाँ पर देखिए जो लेटर्स है ना ये क्या है जम्बल लेने में अनजम्बल करना है और करेक्ट स्पेलिंग बनाना है, तो पहली स्पेलिंग क्या बनेगी स्माइल, ठीक है ना,
फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको स्पेलिंग बनाना है, तो इसके आंसर है ये। तो पहली स्पेलिंग इस्माइल है, सेकंड क्या है, यहाँ पर नॉर्मिंग लिखा है तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। फिर थर्ड बनेगी अलार्म, फोर्थ बनेगी स्नोर्ड, फिफ्थ बनेगी क्लॉक और सिक्स्थ बनेगी विंडो, ठीक है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बताना है कि कार का आपने साउंड किस तरह से सुना है और आपके फ्रेंड ने भी कार का किस तरह से साउंड सुना है। तो कार के सामने आप क्या लिख सकते हैं, पीप पीप पीप, और इधर वाले में भी। फिर यहाँ पर एक गर्ल है तो ये गर्ल क्या बोल रही है, गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ पर ट्री है, ट्री की आवाज़ कैसी होती, कैसी चलती, जब हवा चलती है तो कैसी आवाज़ आती है, सर सर सर, ठीक है। फिर बर्ड्स जो है वो मॉर्निंग में किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चीप चीप चीप। ये माइक है, माइक से हम क्या बोलते हैं, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो अगर कोई सी घड़ी नहीं है आपको उठाने के लिए, तो आप किस तरह से उठोगे, है ना, और अगर नहीं उठोगे तो क्या आप कंटिन्यू सोते रहोगे। ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, है ना, घड़ी के अलावा और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम दिन भर के समय को जज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड का आंसर कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। इसका आंसर है, आई विल वेक अप ऑन माई ओन एज आई हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल, और आई विल वेक अप वेन माई पेरेंट्स वेक मी अप। तो ये दो तरीके हैं, है ना, बिना घड़ी के उठने के, या तो हम खुद से उठ जाते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें उठाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड वाला आपको फेयर कॉपी में लिखना है, आपको फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग और ये वाला क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, है ना, घड़ी के अलावा या अलार्म क्लॉक के अलावा और कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ है जिससे आप खुद उठ सकते हो। पहला तो वॉल क्लॉक है ना, जो दीवार पे जो घड़ी होती है उसे देख के, फिर रिस्ट वॉच हमारे जो हाथ की घड़ी होती है उसे देख के, सर्टन प्रोग्राम टाइमिंग्स ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न के अलग अलग प्रोग्राम्स की टाइमिंग भी हमें कभी कभी याद रहती है तो उससे भी हम टाइम को जज कर सकते हैं। सनलाइट है ना, सनरेज़ को या सनलाइट को भी हम उसकी पोजीशन, सन की पोजीशन से भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं। फिर हमारे मोबाइल फ़ोन या सेल फोन में भी टाइम होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको काय में करना है, आपकी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। इतना इस वीडियो में, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।